जाफराबाद स्थित जीनत महल स्कूल में प्रतिभा विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें इलाके के बच्चों को उनकी प्रतिभा के हिसाब से प्रतीक चिन्ह और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। स्कूल के SMC मेंबरों को इस प्रोग्राम से दूर कर दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने पोस्टर पर स्थानीय विधायक को जगह नहीं दी, जिससे नाराज होकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने SMC के मेंबरों द्वारा लगाए गए पोस्टर को फाड़ दिया, जिससे नाराज होकर SMC मेंबरों ने प्रोग्राम के चलते हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध किया। इसलिए क्योंकि रात हम 2 बजे तक यहाँ थे, यहाँ इस प्रोग्राम के लिए हमने 10 दिन से मेहनत कर रहे हैं और रात हमारे साथ गाली गलौज की गई, हमारे जो होर्डिंग है वो फाड़ दिए गए। दीप इसलिए फाड़े गए क्योंकि उसमें एक मुसफ्फर खां जो हाजी जी के साथ रहते हैं उनका फोटो हमने नहीं लगाया था, इसलिए फाड़ दिया उन्होंने हमारे। हम सिर्फ विरोध करना चाहते हैं शांति से और कुछ नहीं। इस प्रतिभा सम्मान समारोह के लिए हम लोगों ने रात दिन एक किया है, अपना जान माल सब लगाया है, अपने पैसे से अपने बैकबोनर पोस्टर हेड होर्डिंग वगैरह सब हमने भी बनवाए हैं, बच्चों को आमंत्रित किया है, रात दिन कॉल किया है, तो उसके बाद आज SMC को अपमानित किया जा रहा है। यहाँ पे SMC को एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया जा रहा है। इस मामले पर जब पार्टी प्रभारी और सीलमपुर विधायक से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। बल्कि मैं तो अभी 5-10 दिन पहले ही SMC के सभी मेंबर्स के साथ अलग से विधायक जी के ही घर पे मुलाकात करी थी और सबको अलग से सम्मानित किया गया था। सबने बहुत खुशी खुशी इस SMC में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन लगातार देते रहने का वायदा भी किया था, कसम भी खाई थी। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली यहाँ पे तमाम SMC के लोग हैं, ये जो आपको बच्चे दिख रहे हैं, जो पेरेंट्स दिख रहे हैं, ये इन्हीं SMC की साथियों की बदौलत है। गलती अपनी गलती मानना नहीं, अपनी गलती मानना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस कार्यक्रम में पहुंचे आम आदमी पार्टी से ही स्थानीय निगम पार्षद अब्दुल रहमान ने भी आरोप लगाया है इस कार्यक्रम का राजनीतिकीकरण हुआ है, जो कि इस तरह के कार्यक्रमों में नहीं होना चाहिए था। प्रतिभा सम्मान समारोह है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि SMC मेंबर कोई विरोध जता रहे हैं, लेकिन ये प्रतिभाओं के सम्मान के लिए प्रोग्राम रखा गया था, ना कि राजनीतिकरण के लिए। कार्यक्रम में भले ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगे हों, मगर बच्चों को सम्मानित करने वाले इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन बच्चों की प्रतिभा निखारने और उनका हौसला अफजाई करने के लिए बेहद जरूरी है। दिनेश सोलंकी के साथ रेणुका राजपूत, तेज निगाहें दिल्ली।